बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। जी दोस्तों, कौमी टीम के साबिक पास बॉलर शुएब अख्तर ने भारतीय अदाकारा सोनाली बेंद्रे को अगवा करने की धमकी दी। शुएब अख्तर ने सोनाली को शादी की पेशकश न मानने पर अगवा करने का कह दिया। आखिर क्या हकीकत है इस कहानी की, आपसे इस वीडियो में हम शेयर करते हैं। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर अपनी ख़तरनाक बोलिंग से ज़्यादा तनाज़ात की वजह से खबरों में रहते हैं। हालांकि शुएब की शादी को एक अरसा हो गया, लेकिन माजी के अफेयर्स की वजह से शुएब अब दोबारा सुर्खियों में रहने लगे हैं। हाल ही में भारत की मशहूर अदाकारा सोनाली बेंद्रे का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो अपने और शुएब के ताल्लुकात और दोनों के बीच शादी के खबरों से पर्दा हटा रही है। एक पॉडकास्ट में सोनाली से सवाल हुआ कि साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब अख्तर ने शादी की पेशकश की थी और कबूल न करने की सूरत में अगवा करने की धमकी भी दी थी। जवाबन सोनाली ने इस दावे को रद्द करते हुए इस तरह की खबरों को जाली करार दिया। अदाकारा ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि शुएब अख्तर ने वाकई ये कहा भी था कि नहीं कहा। जब उन्हें बताया गया कि क्रिकेटर उनके मता है, तो उन्होंने मजाकन इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपनी कामयाबी को शुएब की मरहून मिन्नत करार दिया। माजी में शुएब अख्तर ने खुद भी सोनाली बेंद्रे से मुतलिक अफवाहों को जाली करार दिया था। शुएब ने इस बात की भी तरदीद की कि वो सोनाली से न शादी करना चाहते थे और न ही उसके साथ कोई अफेयर था। ये सब गलत बातें हैं, वो सोनाली बेंद्रे से न कभी मिले और न ही उसके परस्तार रहे हैं। हाँ, जब वो कैंसर से लड़ रही थी, तब बतौर इंसान उसने उनका मदाह होना शुरू किया।